सपनों की इस दुनिया में इंसानों का मेला है। कुछ खोना है कुछ पाना है, घुट घुट कर क्यों जीना है। आंखों से पढ़ा मैंने, अपनी आंखों से। क्या? और क्या, तुम सबकी मदद के बिना पढ़ लिया मैंने? मैडम हम तो उन्हें रोज बैठ कर पढ़ाते हैं, बल्कि वो खुद पढ़ते हैं। आजकल तो रमेश चाचा और चुरैसे चाचा भी आते हैं। आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश भी की तो सीधा थाने के अंदर करवा दूंगी। नहीं मैडम, समझ नहीं रही। अपने बाबू के जैसे हमको भी काका मामा पढ़ना सिखा देगी ना। चाचा शुरू तो कीजिए, आगे आगे देखिए होता है क्या। माँ क्यों ना हम मैम के पास जाए। हाँ अनन्या मैम के पास चलते हैं, साथ वही कोई हल निकालेंगी। कि हम लोग घर घर जाकर चंदा इकट्ठा करेंगे। देखो भाई, कोई भी बड़ा काम करने से पहले ऐसे ही छोटी सी शुरुआत होती है। भारत सरकार और ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो साक्षरता में लोगों की मदद करती हैं। मैं ऐसी एक संस्था की सदस्य हूँ, मैं हर शाम तुम्हें पढ़ा सकती हूँ। फिर तो मैं भी औरत हूँ, मेरा भी रहना अच्छा नहीं लगता, मैं चलती हूँ। ये कोई उम्र हुई मेरी पढ़ने की? ना ना, हम नहीं बैठेंगे इतने आदमी लोग के बीच। अपनी किताबों में पढ़िए। हम सब बराबर, हम सब बराबर, हमारे
दीदी मुझे लगता है कि हमने बहुत ही बड़ा काम कर लिया। और क्या, शुरू तो किया था बापू से, लेकिन अब देखो पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया है। अच्छी बात है ना, अनन्या मैडम कहते हैं कि हम में से पढ़ा हुआ किसी अनपढ़ को पढ़ाए तो पूरा देश शिक्षित हो सकता है। हमने एक को नहीं कितने को पढ़ा रखा, हम महान है। इसमें महानता की कोई बात नहीं, हर से क्या है, अगर ये काम हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। अगर सब पढ़ लिख जाए तो इसका फायदा क्या होगा बेवकूफ, एक दूसरे को चिट्ठी और किताबें पढ़ के सुनाएंगे। हमारा पूरा देश शिक्षित हो जाएगा और हमारे देश में बदलाव हो जाएगा, फिर देखना सबकी जिंदगियां बेहतर हो जाएंगी। अभी तो हमारी जिंदगी बेहतर नहीं है और हम पढ़े लिखे हैं। अभी नहीं, बाद में, थोड़ा और पढ़ने के बाद। सब चाचा चाची भी? हाँ देखो चाचा चाची की जिंदगी में कितना बदलाव आया है, और अब आगे आगे देखो होता है क्या। अच्छा तो है, पर जब आदमी लोग चले जाते हैं तो घर छोड़कर हम अकेले नहीं आ सकते। हमको तो शर्म आती है, हमारे बच्चे हम पे हंसते हैं, कहते हैं माँ इस उम्र में पढ़ी, हम तो छोड़ने को सोचे थे जी। इतनी जल्दी भी क्या है, थोड़ी देर बाद फैसला करना। अरे तुम लोग तो यूँ जल्दी जल्दी फैसला कर रही हो। जल्दी कहाँ कर रहे हैं, ये बच्चों को छोड़कर काम कैसे दोनों संभाल सकते हैं। बात तो ठीक है, दिक्कत तो हमको भी होती है, बच्चे घर में अकेले रह जाते हैं। यूँ तो रेखा है पर उसको भी अपनी पढ़ाई करनी होती है, मुश्किल तो होती ही है। और हम पढ़कर क्या करेंगे, ये तो तुम सब पर है, हमारी मानो तो छोड़ो मत, अभी तो शुरुआत हुई है। हम फिर कहते हैं थोड़ा रुक जाओ। बराबर, हमारे हक बराबर, समझ में आई? थोड़ा थोड़ा। देखो भाग्यवान, पहले पहले थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो तो है, पर हम सोच रहे हैं कि हम ये मेहनत ना ही करें तो ठीक है। क्यों? देखिए बहुत मुश्किल हो रहा है, घर संभालना, बच्चों को संभालना, आपको संभालना, और फिर रेखा और राजेश का इम्तिहान भी आ रहा है। हाँ। बाकी सब भी छोड़ने का सोच रहे हैं। क्यों बाकी सब क्यों? सबका अपना अपना मुसीबत है। अच्छा सुनिए, अब हमारी उम्र थोड़ना है कि हम बच्चों की तरह बैठकर पढ़े, वैसे भी हमको इसमें कोई मतलब नजर नहीं आता। देखो भाग्यवान, पहले पहले हमें भी इसमें कोई मतलब नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अब सब साफ हो गया है, अब आगे तुम्हारी मर्जी। क्या है? मदनु मदन सब सब मैडम जी नमस्ते। नमस्ते, क्या बात है, आज कोई नहीं आया? नहीं, और मुझे लगता भी नहीं कोई आएगा। क्यों, हम क्या बताएं, सब कह रही थी क्या फायदा होगा इस पढ़ाई लिखाई से, और ऊपर से बच्चे भी संभालने पड़ते हैं। हाँ मुश्किल तो है, मैंने भी यही कहा, पर बात तो ठीक ही करते हैं, क्या फायदा होगा इस पढ़ाई लिखाई से। पढ़ाई का फायदा? अरे पढ़ाई का फायदा है पढ़ाई, आप तो पहेलियों में बात करती हैं। अच्छा ये देखो पेंसिल है। अच्छा ये बताओ ये क्या बना? आ का डंडा म काम। हाँ भाई, पढ़ लिख कर तुम अपना जीवन सुधार सकते हो, कोई काम ढूंढ सकते हो, और ऐसा काम जो तुम सम्मान के साथ कर सको। पर ऐसे थोड़े ही काम मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक, ऐसे थोड़े ही मिल जाएगा, लेकिन एक बार जब तुम शिक्षित हो जाओगे तो जैसे ये शिक्षा केंद्र है ना, ऐसे ही सरकार ने जन शिक्षा संस्थान खोले हैं, जहाँ पर तुम जैसे लोगों को काम करना सिखाते हैं। तो उसमें बहुत पैसे देने पड़ते होंगे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल थोड़े से, मामूली से। ऐसे संस्थानों को सरकार आर्थिक सहायता देती है। अच्छा और भी फायदे बताइए। हाँ अच्छा, शिक्षा का दूसरा फायदा है कि वो हमारे अंदर जागरूकता पैदा करती है, हमें हमारे हक के बारे में बताती है, हमारी जिंदगी को सुधारती है। इतनी सी पढ़ाई से इतना कुछ? बिल्कुल, बूंद बूंद करके खराब होता है ना, तस्वीर में थोड़े थोड़े रंग डालो तो तस्वीर खिल उठती है ना। हाँ दाल में तड़का डालोगे तभी तो स्वाद आएगा। बिल्कुल, देखो लक्ष्मी, हमारा जो जीवन है ना वो एक कोरे कागज की तरह है, हम उसमें शिक्षा से थोड़े थोड़े रंग भरते हैं, और फिर जो सामने तस्वीर उभर के आती है वो होती है हमारी नई जिंदगी की तस्वीर, एक नया नजरिया। कुछ नया हुआ तो पुरानी का क्या हुआ? पुराना पुराना नए में खुल गया और उसका हिस्सा बन गया। इसमें बुरा है क्या, बाकी सब औरतों ने आना तो बंद कर ही दिया है, तुम अकेली रह गई हो। तो समझा करो, बाकी और कोई लेडीज तो वहाँ पढ़ना नहीं चाहती है, है? तुम खाम खा अपना क्यों टाइम खराब करती हो? आप पढ़कर अपने टाइम पर बात कर रहे हो? देखो हमारी पढ़ाई में और तुम्हारी पढ़ाई में फर्क है। क्यों? समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो तुम, वहाँ कोई और लेडीज तो आती नहीं, खाम खा तुम अकेली, वहाँ मेरे को नहीं अच्छा लगता। इसमें हमारी क्या गलती है, अगर बाकी सबके पास टाइम नहीं है
हमारे पास टाइम है तो हम क्यों ना इसका फायदा उठाएं। अरे हम ये थोड़ी कह रहे हैं। तो फिर क्या कह रहे हैं आप? हम तो यूं ही बस। मत बताइए यूं ही कुछ, कोई खास बात हो तो करिए, हमारे पास फालतू का वक्त नहीं है, हमें बहुत काम है। ठीक है ठीक है, जाके हमारे लिए भेजो वो टी। तुम पढ़ना चाहती हो? पढ़ना तो चाहती हूँ पर वर कुछ नहीं। बोलो हाँ कि ना? ना। क्यों? क्या फायदा, वैसे हमें कौन सा बाबू बनना है, वैसे भी कुछ नहीं था। कुछ क्यों नहीं, मैडम जी बोल रही थी आगे जाकर हम सब काम भी सीख सकते हैं, जैसे जन शिक्षा संस्थान, वहाँ पर छोटे मोटे काम सिखाए जाते हैं। छोटे मोटे काम मतलब? जैसे सिलाई बुनाई सब कुछ। बोलो हाँ कि ना? तो हाँ। मैं मैडम जी से मिलने जा रही हूँ, बाकी सब भी हाँ कर दें तो हमारी क्लास फिर से पूरी हो जाएगी। अच्छा जी नमस्ते। सावित्री, अगर मैडम जी पढ़ाई के साथ साथ कुछ और काम भी सिखाए तो फिर क्या तुम वापस आओगी? कैसा काम? अरे डॉक्टर बनने का, छोटा मोटा काम जो हमारे काम भी आ सके और शायद पैसे भी कमवा सके। हाँ कि ना? अगर आप इतनी हिम्मत से कह रही हैं तो हाँ। रेखा तू जरा चल मेरे साथ मैडम जी के पास। लिया जा। ना ना ये सब गलत है, ये ठीक है। अरे ये सही है, तुम्हारा गलत है। हमको क्या सिखा रहे हो, बकवास करते हो, क्लास में तो तुम सोते रहते हो, अब हमको सिखा रहे हो? अरे मैडम ने ऐसे ही बोला था और मैडम ने ये भी कहा था हम इंटेलिजेंट है। मैडम ने कहा था तुम नालायक हो, नालायक। ना कहते तो कभी भी नहीं सुना हमने मैडम को। रमेश हमारी दुकान से निकल जाते। ए दुकान के बाहर ही बैठे हैं, अंदर नहीं बैठे। प्रकाश एक पान लगा हमारे लिए। अरे प्रकाश कोई पान लगाने की जरूरत नहीं है, इसको बोल दे जाके अपना दिमाग चेक कराएगा। ए प्रकाश अपने चौरसिया चाचा का बोल के अपना सब कुछ चेक करवा ले, हमारा तो सिर्फ दिमाग खराब है, इनका कुछ भी ठीक नहीं है। ए देखो ऐठी मत दिखा, देंगे एक धोबी पछा। क्या करेंगे आप? दो मिनट मुझे दिखाओ, मैं बताता हूँ कौन गलत है कौन सी है। आप दोनों में से आप दोनों ही गलत हो, पकड़ो। मैडम जी नमस्ते। देखा मैडम, मेरी लक्ष्मी चाची आपसे कुछ बात कहना चाहती थी। हाँ कहिए। मैडम जी आपने तो देखा ही होगा आजकल मेरे सिवा और कोई औरत नहीं आ रही। हाँ मैं भी सोच रही थी कि क्या बात है, 10 साल आपसे पूछने भी वाली थी। मैंने एक तरीका सोचा है उन्हें वापस लाने का। अच्छा वो क्या? आप पढ़ाती तो हैं ही, साथ साथ कुछ काम भी सिखाएंगी तो हम सबको बहुत फायदा होगा। अच्छा तो आप ऐसा करिए, उन सबसे कहिए कि वो कल से आना शुरू करें, हम लोग जल्दी ही कुछ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ठीक है। अच्छा नमस्कार। अच्छा रेखा समझ में आया चाचा, इतने आसान सवाल को इतना देर लगा दिया। हमें पता नहीं ना क्या आसान है क्या सही है, अभी सीखा नहीं ना हमने, है ना। इसमें सीखने की क्या बात है, मैंने कर तो दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, अभी सफाई कर। अरे प्रकाश बेटा एक पान तो लगाइयो। हाँ अभी लगाता हूँ। अरे तुम बैठे रहो, आजकल तुमसे अच्छा पान लगाता है ये। अरे पानी क्या, ये तो चौरसिया भैया को 2-4 चीज भी पढ़ा सकता है। वहाँ क्यों प्रकाश बाबू, क्या बात है? कुछ नहीं चाचा, इतने आसान सवाल को इतना देर लगा दिया, बना भी तो कि इनका झगड़ा हो रहा होता। इतना आसान भी नहीं था, टॉर्च की बत्ती है क्या, बटन दबाया और चिस गई। इतना कठिन भी नहीं था, अभी सीखा नहीं ना। देखा छोटा सा लड़का तुम दोनों को लल्लू बना गया। अच्छा भाई मैं चलता हूँ। अरे सीखो कुछ, सीखो इससे हैं? चाचा आप क्या करना है? कुछ नहीं तो मैं जाऊँ? आ जा, शाम को 6 बजे मिलूंगा। कोई जरूरत नहीं आने की 6 बजे। क्या? अरे क्या कह रहे हो चौरसिया भैया, अरे तुम बीच में मत बोलो जी। अरे लेकिन इसमें बच्चे का क्या गलती? देखो हमारी दुकान के एक्सपेंड का प्रोग्राम हो गया कैंसल, अब हमको इसकी कोई जरूरत नहीं यहाँ पे, समझे? हे प्रकाश तू जा कहीं नौकरी ढूंढ लेना, तुम्हारी जरूरत नहीं यहाँ पे। आप सबसे पहले क्या है, ज ज ज
जा से क्या है, जा और बा मिलाए तो क्या बना, जब। जा जा पे ए की मात्रा, सा सा पे आ का डंडा, जैसा जैसा, ना जनता जनता, क्या बना, जनता। और जा र, क्या बना, पता पूछते ना, हमारे घर का पता ऐसे पूछते ना, पता। फिर पा पे ए की मात्रा, सा और सा पे आ का डंडा, क्या बना, पैसा। पैसा, पैसा मालूम है ना सबको, पैसे खर्चते हैं ना, पैसा तो सबको मालूम है। अच्छा फिर क्या है ये, ना, ना पे आ की मात्रा और पा, क्या बना, ना। फिर अच्छा उसके बाद ये क्या है, मात्रा है, किसकी मात्रा है, इसको कहते हैं चंद्र बिंदु, चंद्र बिंदु कहते हैं ना। तो हाँ के ऊपर अगर चंद्र बिंदु लगाया तो क्या बन गया, हाँ हाँ। माँ पे अगर चंद्र बिंदु लगाया तो क्या बन गया, सा, सा के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया और सा तो क्या बन गया, सा। आपने आज प्रकाश को निकाल दिया? हाँ। क्यों भाई, अब जरूरत नहीं थी उसकी। क्यों नहीं है? अरे जो कह दिया नहीं है तो नहीं है बस। इसीलिए तो नहीं है, क्योंकि उसको आपसे ज्यादा आता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। बात तो ऐसी ही है, अगर उसने आपकी मदद की है इसमें उसकी क्या गलती है? क्या कह रही हो तुम? आपको पता है क्या कह रहे हैं हम, हमसे बनिए मत, बहुत अच्छी तरह जानते हैं आपको, छोटे से बच्चे से चल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको, इतना प्यार देता है हमें और आप है कि। भाई ठीक है ठीक है, थोड़ा डांट दिया, थोड़ा ज्यादा डांट दिया। मैं उसे बुला रही हूँ। कोनो जरूरत नहीं है, हम बाद में समझा देंगे उसको। प्रकाश इधर आइयो। ये लीजिए बेटा प्रकाश, वो मैं बोलिए, मैंने वो, मैं ये बकरी की तरह मैं क्या लगा रखा है बेटा, मैंने वो घुसाया नहीं ना तुमको, तो मेरे को सॉरी दे दे बस। नहीं, मेरे को पता था आप ऐसे ही करेंगे, इसलिए मैंने चाची को मेरी तो सब 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 ब सब बस। अच्छा चतुरलाल जी। जी मैडम। आपने इन सबसे पहले पढ़ाई शुरू की है तो आपको तो इन सबसे ज्यादा आता है। तो ऐसा कीजिए, आज आप इन्हें पढ़ाइए, मैं देखूंगी। हम पढ़ाएं ना? हाँ जी आप पढ़ाइए। अरे वाह, हाँ भाई पढ़ो। हा मा हम, हा मा हम, सा पा सब, सा पा सब, हम सब, हम सब, बा बारा आ, बारा बारा बराबर, बराबर, हम सब बराबर, हम सब बराबर, बा बा आ, हाँ देखिए, बा आ बा आ बा बा, सब बराबर, बराबर, हा छोटी की मात्रा, हा छोटी मात्रा, ला छोटी की मात्रा, ला छोटी मात्रा, ए हिलिए, हिलिए, माता मत, माता मत, हिलिए मत, हिलिए मत, हिल मैडम थोड़ा सा, पढ़ने में आसानी होती है। अच्छा आपके बेटे का क्या नाम है? रतन। रतन कैसे लिखेंगे? र त न, रतन। रतन की माँ रमा। हाँ रतन की माँ रमा, र मा आगे डंडा, ठीक है ना, रमा। और कोई नाम? हमारे बेटे का नाम है राजेश।
राजेश, राजेश कैसे लिखेंगे? रा आका डंडा जा, जा भी किस चीज की मात्रा आएगी? एक की मात्रा। और श, तो ये क्या बन गया? राजेश। और कोई नाम? मेरे पति का नाम है विवेक। विवेक, विवेक कैसे लिखेंगे? वा, वा भी किस चीज की मात्रा आ गई है? छोटी की मात्रा है ना। और ये वा पे किस चीज की मात्रा आ जाएगी? एक ही। तो ये वी हुआ, ये वे हुआ, और साथ में क्या हो गया? का। तो क्या बन गया ये? विवेक। विवेक हाँ। तो क्या बना? रमा रतन की माँ, रमा रतन समान, ठीक है ना? ये गलत है। क्यों? क्यों गलत क्यों है? रमा हुई औरत, रतन हुआ आदमी, तो एक समान कैसे हो सकते हैं? अच्छा, औरत और आदमी में क्या फर्क होता है? कैसी बात कहती है मैडम जी, आदमी तो आदमी है, औरत तो घर संभालती है। तो औरत बाहर काम कर सकती है और आदमी घर संभाल सकता है? नहीं, ये तो कभी नहीं देखा। अच्छा, क्या बोला? कमा, क मा, मा प्या की मात्रा, और ई बड़ी, कमाई। अच्छा, औरतें क्यों नहीं कर सकती कमाई? नहीं, आदमी तो, औरत तो थोड़ा कमाती है, आदमी ज्यादा कमाते हैं, तो ये एक समान कैसे हो सकता है? भाई, समान होने के लिए आमदनी कम या ज्यादा होना थोड़ी जरूरी है। आदमी बाहर काम करता है और आप लोग कमाई के साथ साथ में घर भी संभालती हैं, तो आप लोगों की जो आमदनी की कमी है वो पूरी हो जाती है ना घर के काम से, तो बराबर हो गई ना दोनों? हाँ, तो ये हो गई आपकी कमाई। किसके साथ हुई? घर के साथ। किसके साथ? घर। घर। कलम क्या बना? पापे बड़ी की मात्रा क्या बन गया? पीपल। आगे मिलाइए, पीपल। पीपल। शहर, शहर। शहर, शहर। हाँ, अगला पढ़ो, शापे की मात्रा लगाओ। श ए की मात्रा, शेर, शेर। हाँ, आप पढ़ो अगला। मासी, मासी। सीन नहीं, शा, शा, शी। मासीन। हाँ, अगला आप पढ़िए, अगला पढ़िए। तमाचा। ओहो, देखिए आपने क्या है? श, तमाशा। तमाशा, तमाशा। शा ओ की मात्रा, शोर, शोर। शोर। तोता। तोता। लोहार। लोहार। तमोली। 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 हाँ, चना। चना। आ की मात्रा लगाया, चंद्रबिंदु लगाया, क्या बन गया? और चा मिला दिया तो कितना हो गया? सुंदर भैया, तुम्हारी चिट्ठी आई। लो, हमारे लिए तुम्हारे गांव का पता लिखा है। हमें कौन चिट्ठी लिखेगा? प्यारे चतुर भैया, गांव को बाढ़ की स्थिति अब ठीक हो रही है, स्कूल भी शुरू करवा दिया है, तुम चाहो तो बच्चों और भाभी को वापस भेज सकते हो। अच्छा अच्छा, मुझे भी यहाँ काम मिल गया है, है बापू को काम मिल गया है, अच्छी तनख्वाह है, पर काश से कहना कि वो अब वापस आ जाए, है उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, उसकी माँ भी उसे वापस बुला रही है। तुम्हारा दोस्त रामकुमार। और क्या लिखा? वो पोस्ट मास्टर जी ने भी, अच्छा पोस्ट मास्टर जी भी नमस्कार कहते हैं। एक बीज और इतना बड़ा वृक्ष, एक छोटा सा कदम कितना बड़ा बदलाव ला सकता है? आप ये पूछ सकते हैं कि क्या ये बदलाव या फिर कोई भी बदलाव अच्छे होते हैं? अपनी जिंदगी से सवाल कीजिए, अपने लक्ष्य को एक बार फिर देखिए, क्या ये सब अच्छा है? एक शब्द कितने सवाल उठा देता है। औरतों के प्रति मर्दों का बर्ताव, समाज में उनकी जगह, इन्हीं सब सवालों से हमें ये पता चलता है कि असली मायने में साक्षरता का क्या मतलब होता है। हमारे देश की एक पूरी पीढ़ी जिसे पढ़ाई का सहारा नहीं मिला,
आज अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रही है, ये न जानते हुए कि उनके अपने आप के लिए भी ये रास्ता उपलब्ध है। अब वो समय आ गया है कि हम अपने हर कदम पर गर्व करें, किसी और को सहारा दें, क्योंकि इस राह पर हर कदम महत्वपूर्ण होता है। इंसान की असली पहचान यही है कि वो अपने लिए सोच सकता है, अपना सर उठाकर जी सकता है, वो अपने हक के लिए लड़ सकता है। काका गा का छोटा सा पथ पूरी मंजिल तो नहीं, लेकिन उस मंजिल की ओर पहला कदम है। सपनों की इस दुनिया में इंसानों का मेला है, कुछ खोना है कुछ पाना है, घुट घुट कर क्यों जीना है। हम सब पढ़ेंगे, हम सब